जी हर्ट तो बहुत होता है, पाकिस्तानी अवाम जाहिर बात है हर किसी से मोहब्बत। बाद फिर इंग्लैंड का ना आना, तो ये चीज़ें पाकिस्तान की एक बड़ी मेहनत है क्रिकेट वापस लाने में ना, तो ये फिर बहुत बुरा इम्पेक्ट पड़ता है। अमेरिका के साथ है इंडिया और ये दोनों मालिक के नहीं चाहते पाकिस्तान में आए, क्योंकि वो इस वजह से नहीं चाहते है कि ये पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो गई। पहले न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई और फिर चली गई खेले बगैर मैच से दो घंटे पहले, अब इंग्लैंड की टीम भी नहीं आ रही पाकिस्तान, तो कितने डिसअपॉइंटेड है, कितने मायूस है, कैसा फैसला समझ रहे हैं आप इंग्लैंड का ये? जी हर्ट तो बहुत होता है, पाकिस्तानी अवाम जाहिर बात है हर किसी से मोहब्बत करती है। इंग्लैंड को जब हमें इंग्लैंड की ज़रूरत थी तो इंग्लैंड हमें छोड़ के चले गई, जबकि इंग्लैंड को हमारी ज़रूरत थी तो हम इंग्लैंड के अंदर कोरोना के अंदर हम जाके खेले थे। जब न्यूजीलैंड हमला हुआ था हम तब भी जाके खेले थे, तो इंग्लैंड को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर इंग्लैंड यहाँ पे आती खेलती तो यहाँ पे क्रिकेट बहाल होती। इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद होते नज़र आ रहे हैं, कितने डिसअपॉइंटेड है, क्या कहेंगे आप? डिसअपॉइंटेड तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ऐसे अचानक जो चली गई और वो 5 दिन रही प्रैक्टिस की, उसके बाद अचानक से चले जाना, तो शायद ये प्री प्लान हो सारा। उसके बाद फिर इंग्लैंड का ना आना, तो ये चीज़ें पाकिस्तान की एक बड़ी मेहनत है क्रिकेट वापस लाने में ना, तो ये फिर बहुत बुरा इम्पेक्ट पड़ता है इस चीज़ का और बहुत डिसअपॉइंटिंग है पाकिस्तान के लिए। कि हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी हैं, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर भी हैं, पूरी ICC की रैंकिंग में भी हमारे सब प्लेयर हैं, नंबर 1 भी हैं, नंबर 2, नंबर 10 में भी हैं, नंबर 8 पे भी हैं, तो दैट मीन्स कि वी आर द बेस्ट। तो अच्छा मैसेज यही है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो उसको पॉजिटिव आगे से जवाब दिया जाए। कोई नहीं खेलना चाहता मत खेले हमारे साथ, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा पाकिस्तान नंबर 1 टीम होगी, हर टीम चाहेगी हमारे साथ खेलना। तो ऐसे पावरफुल डिसीजन होने चाहिए कि दुनिया को ऐसा ही मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ये तरीकाकार अच्छा नहीं था कि एकदम से कह देना आके टूर पर 5 दिन रेस्ट करना, प्रैक्टिसें करनी और लास्ट डे पर कहना कि हमने नहीं खेलना, इट्स वेरी रॉन्ग। तो इन डिसीजन वो अच्छा पावरफुल डिसीजन लेंगे और इनको आगे से इस तरह का ही जवाब देना चाहिए कि जो वो डिजर्व करते हैं। बहुत ज़्यादा सुरदा है कि इंग्लैंड की टीम भी नहीं आ रही और न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान से होके और वापस चले गई है, तो PCB ने अच्छा काम किया कि वो अब जाके ICC में उठा रहे हैं, तो नहीं आनी आ रही, अफसरदा है, बहुत ज़्यादा अफसरदा। तो आपको क्या लगता है कि आगे इंटरनेशनल क्रिकेट और होगी पाकिस्तान? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। हालात है कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ भी नहीं आएंगे पाकिस्तान? नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि PSL जो है एडिशन जो है वो 7th वो पाकिस्तान में होना है, और इसके अलावा जो है रमीज राजा साहब वो जो बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ उन्होंने ना बातचीत शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि वर्ल्ड कप से पहले पहले जो है श्रीलंका या बांग्लादेश पाकिस्तान आएगी। श्रीलंका या बांग्लादेश के आने से क्या होगा, यूरोपियन टीमें तो पाकिस्तान नहीं आ रही? यूरोपियन टीमें वो देखेंगी ना, जबकि श्रीलंका भी आ रही है, बांग्लादेश भी आ रही है, तो जब वो देखेंगी कि उनको एक पैगाम मिलेगा कि नहीं वो जाकर बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका वो तो पाकिस्तान में पहले भी खेल के गई, तो साउथ अफ्रीका भी यूरोपियन में आता है। तो ये जो न्यूजीलैंड होके गई है और अब बस वो इस वजह, आपको क्या लगता है ये क्या चक्कर है, क्या साजिश है? वो चक्कर ये है कि इंग्लैंड जो है नहीं चाहता, अमेरिका की ये साजिश है कि वो नहीं चाहते है कि पाकिस्तान में दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट की बात। साजिश में और कौन है? अमेरिका के साथ इंडिया और ये दोनों मालिक हैं कि नहीं चाहते पाकिस्तान में आए, क्योंकि वो इस वजह से नहीं चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो गई, तो पाकिस्तान जो है ODI में भी फर्स्ट रैंकिंग पे चला जाएगा, T20 में भी फर्स्ट रैंकिंग पे चला जाएगा, और इसके अलावा टेस्ट में भी, इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि जो है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो। भाई जान भला बात क्या, जैन जैन की बात होती है अपने अपने, इंडिया ने डरा दिया है और फ़ोन करके बोला होगा पीछे कि आप वापस आ जाएँ, वहाँ की सिक्योरिटी सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी अच्छी, इतनी वज़ीर आज़म को नहीं मिलती जितनी उनको मिली है, इसलिए इनका माइंड सेट है आए या ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या लगता है ये किसकी साजिश है, क्यों पाकिस्तान में क्रिकेट? इंडिया की साजिश है, उन्होंने पीछे फ़ोन करके बोला है इसलिए। तो इंडिया, न्यूजीलैंड इंडिया की इतनी बात मानती है? नहीं, वो उनको तो यही है कि जैसे किसी के कान में बात डालनी उन्होंने तो समझना है वैसे ही। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये इंडिया के कहने पर ये ऐसे हो रहा है, पहले न्यूजीलैंड भी नहीं आ रही, अब इंग्लैंड भी नहीं आ रही, इंडिया की साजिश है? हो सकता है इंडिया की साजिश है वैसे, वरना अगर पहले बात होती तो आते ही ना। तो आप पहले बड़े एक्साइटेड होंगे मैच के लिए, अब मैच नहीं हो रहे तो कितने अफसोस हैं आप? कोई नहीं, मैच तो होने ही होने हैं, अब ये है कि पहले इंडिया और पाकिस्तान का होता था इंतज़ार, अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का होगा इंतज़ार मैच देखने का।